सो गाइस, आई थिंक आप लोगों ने पहले भी इस टाइप की बहुत सारी सेल्फीज़ देखी होंगी सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। इस तरह की जो सेल्फीज़ हैं वो नॉर्मली वायरल होती हैं और हमेशा लोग ये सोचते हैं कि क्या ये सेल्फीज़ रियल हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुगंधा शर्मा। इस पूरे वीक मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्चुअल वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ जो कैबिन क्रू या फ्लाइट या एयरपोर्ट से रिलेटेड हैं और नॉर्मली लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता। सिर्फ कैबिन क्रूज़ को या पायलट्स को या एविएशन इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से जो लोग हैं सिर्फ इन्हीं को पता होता है। कल हमने एक वीडियो में जाना था कि जब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है, लैंड करने वाली होती है, तो कैबिन की लाइट्स क्यों डिम कर दी जाती हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन गो आफ्टर दिस वीडियो एंड वॉच इट। आज की वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं कि क्या ये जो भी पायलट सेल्फीज़ होती हैं जिसमें पायलट्स हाई एल्टीट्यूड पे हैं, यानी नॉर्मली जो प्लेन्स हैं वो 30-35 हज़ार फीट या 40 हज़ार फीट के हाइट पे उड़ते हैं, तो इस हाइट पे क्या इस तरीके से सेल्फीज़ लेना पॉसिबल है, यानी क्या ये सेल्फीज़ रियल हैं। सो टू कट टू द चेज, द आंसर इन शॉर्ट इज दैट नो, नन ऑफ दिस सेल्फी इज़ रियल। हार्डली इनमें से कोई ऐसी सेल्फी होगी जो रियल होगी, ये सब फेक होती हैं मोस्टली। लाइक 95% इस तरह की जो सेल्फीज़ होती हैं वो फेक होती हैं। सो क्या मैंने एक एक सेल्फी को इंस्पेक्ट किया है? नहीं, मैं आपको सिर्फ कुछ लॉजिक्स बता रही हूँ जिसके बाद आपको पता चलेगा कि ये क्यों फेक होती हैं। फर्स्ट थिंग, एक बहुत बेसिक चीज़ है फिज़िक्स की कि हमेशा जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है। यानी आप जब सांस लेते हो तो आप के फेफड़ों में हवा जाने के लिए आपके फेफड़ों का जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए और बाहर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। जैसे जैसे हम हाइट पे चढ़ते हैं प्रेशर कम होता जाता है। आई थिंक आप लोगों ने ये चीज़ भी पढ़ी होगी कि एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ प्रेशर डिक्रीज़ होता है। जब प्रेशर डिक्रीज़ होकर इतना डिक्रीज़ हो जाता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है उससे कम हो जाता है, तो हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए जैसे जैसे आप हाइट पे चढ़ना शुरू करते हो आपकी सांस फूलती है या आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दैट्स बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड। तो सेम वे जब फ्लाइट ऊपर जाती है तो वहाँ पे भी प्रेशर कम होता है, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो प्लेन को प्रेशराइज़ किया जाता है, प्लेन में आर्टिफिशियली प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि उसका प्रेशर बाहर का जो प्लेन के बाहर का प्रेशर है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है, ताकि जब आप सांस लें तो आपको नॉर्मली सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसलिए प्लेन को एकदम सील पैक कर दिया जाता है। अब प्लेन के जो गेट्स हैं वो पहले अंदर को खुलते हैं और उसके बाद बाहर को खुलते हैं, या पहले अंदर को खुल के कुछ प्लेन्स में ऊपर को भी खुलते हैं। तो जब इतना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस है उस वक्त आपको अगर एक प्लेन की विंडो या गेट खोलना है तो उसके लिए आप में इतनी ज़्यादा ताकत होनी चाहिए कि आप 400 किलो का वज़न उठा पाए। अगर आप 400-500 किलो का वज़न उठा सकते हैं तो आप उस गेट को खोल सकते हैं। तो नॉर्मली लोग 400-500 किलो का वज़न नहीं उठा सकते हैं और इसलिए उस गेट को खोलना बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा जानबूझ के किया जाता है ताकि कभी किसी से गलती से गेट ना खुल जाए, क्योंकि उसके आगे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो पहला रीज़न तो ये है कि गेट या विंडोज़ जो हैं प्लेन के वो खुल ही नहीं सकते इस तरह की सेल्फ़ी लेने के लिए, स्पेशली अगर आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पर हैं। तो सेकेंड थिंग इज़ कि अब पायलट भी इंसान है, उसको भी उसके लंग्स को भी जो प्रेशर है वो बाहर का ज़्यादा चाहिए और लंग्स के अंदर का कम चाहिए, ताकि वो नॉर्मल तरीके से सांस ले पाए। अगर वो प्लेन का प्लेन की जो विंडो है उसको किसी तरीके से खोल भी लेता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा जानबूझ के किया गया है ताकि प्लेन्स ना कोई भी प्लेन ऐसे ना खोल पाए। अगर वो किसी रीज़न से खोल भी लेता है तो सबसे पहले उसको और फिर को पायलट को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी, और विद इन 2 मिनट्स पूरे प्लेन में यू नो आपके ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएंगे, क्योंकि सबको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। थर्ड लॉजिक इज़ कि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर, जब भी इस तरीके से एकदम से कोई गेट खुलेगा तो अंदर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बाहर सक आउट होंगी। यानी अगर किसी प्लेन की विंडो तोड़ दी जाए या उसका कांच तोड़ दिया जाए तो प्लेन के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो बाहर को निकल के गिरेंगे, प्रेशर की वजह से वो बाहर को खींचेंगे। तो इस रीज़न से भी ये सेल्फी का जो ये जो सेल्फीज़ हैं जो वायरल होती हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ना तो गेट खुल सकता है, ना कोई इतने प्रेशर में इतने कम प्रेशर में सर्वाइव कर सकता है, और कोई भी पायलट अगर वो खुद ऑक्सीजन लगा भी ले तो वो बाकियों की पैसेंजर्स की जान क्यों खतरे में डालेगा सिर्फ एक सेल्फी के लिए। और थर्ड थिंग, जो भी अंदर की चीज़ें हैं वो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर बाहर को निकल के गिरेंगी। सो ओवरऑल द बॉटम लाइन ऑफ स्टोरी इज़ के कभी भी किसी भी सिनेरियो में जो बड़े प्लेन्स होते हैं या जो प्लेन्स हाई एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं, जो नॉर्मली जो प्लेन्स हम लोगों ने देखे हैं
इन प्लेन्स में इस तरीके की सेल्फीज़ लेना और इस हाइट पे सेल्फीज़ लेना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो ये पायलट्स क्या करते हैं, मैं आपको इस वीडियो के एंड में फ़ोटोज़ अटैच करके दिखाऊंगी। ये पायलट्स एंड दे आर डूइंग इट जस्ट फॉर फन, यू नो, लाइक वी डू टेक पिक्चर्स जस्ट फॉर फन, देयर इज़ नथिंग सीरियस। जब प्लेन खड़ा होता है एयरपोर्ट पर उस वक्त सेल्फी लेते हैं और फिर उसको फोटोशॉप करके जहाँ पे क्लाउड्स हैं वहाँ पे लगा देते हैं, तो इट लुक्स लाइक यू नो कि आपने ऊपर मिड एयर सेल्फी ली है। चेक करने के लिए आप प्लेन का जो सरफेस है या उन्होंने जो चश्मे लगाए होते हैं उसमें अगर आप उसको जूम करके शेडोज़ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्लेन लैंड है, खड़ा हुआ है, उस वक्त ये सेल्फी ली गई है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी, हेल्पफुल इन द सेंस यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू दैट यू डिड नॉट नो अर्लियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस तरह की कोई भी और वीडियो रिक्वेस्ट के लिए यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन मैसेज मी हियर इन द कमेंट्स। और कल भी मैं इस तरह की एक और वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपने अभी तक कल वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड टेक केयर।